आज से 2 माह पहले मैंने ब्रेकेज ज्वाइन किया। लाइफ के मेंटोर हैं सर उस्माने गनी, जैसे कहा कि आपने आपके पास आज रास्ते का टाइम है, आपने आज मुझे प्रोडक्ट्स हंट करके देनी है। मैंने स्टिल 6 घंटे हंटिंग की, जिसमें से मैंने 5 प्रोडक्ट्स हंट की अच्छे ROI के साथ किया। फिर मैं हंटिंग करता रहा। हंटिंग के ऐसे 1-2 वीक्स बाद एक लैब स्टार थे, उनके साथ मिलकर एक राउंड लिया। लैब ने काफ़ी इफेक्ट किया मेरी लाइफ पे, क्योंकि लैब ही थी वो फर्स्ट डे था जिस दिन मैं मोटिवेट हुआ, जब मैंने 5 प्रोडक्ट्स हंट। मेरा नाम मियाँ अहमद है, मैं बूट कैंप 21A का स्टूडेंट हूँ। आज से 2 माह पहले मैंने ब्रेकले ज्वाइन किया, जो कि मुझे मेरे बड़े भाई ने ब्रेकले ज्वाइन करवाया। ब्रेकले से पहले मेरे पास कुछ खास एक्टिविटी थी नहीं, मैं सिर्फ स्टडी करता था, उसके अलावा कोई लाइफ को लेके कुछ सेटल नहीं था, कोई गोल्स नहीं थे। ब्रेकले ज्वाइन करने के बाद मैं बूट कैंप ज्वाइन किया, बूट कैंप के साथ साथ लैब ज्वाइन की। मैं बूट कैंप ज्वाइन करने के बाद भी नॉन सीरियस एटीट्यूड था, बूट क्लासेस लेता था, लैब जाता था, लैब में जाकर भी बस 1-2 घंटा काम करता था, साथ गेम्स वगैरह खेलता था। हमारे लैब के मेंटोर हैं सर उस्माने गनी, वो आए मेरे पास, उन्होंने आके मेरे से मोबाइल खींचा और काफ़ी गुस्से से कहा कि आपने यहाँ पे काम करने आते हो, ना कि गेम्स खेलने आते हो, आपके पास आज रात तक का टाइम है, आपने आज मुझे प्रोडक्ट्स हंट करके देनी है। मैं वहीं पर बैठा रहा, मैं वहाँ से उठा नहीं, मैंने लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करने के बाद मैं हंटिंग शुरू कर दी। मैंने स्टिल 6 घंटे हंटिंग की, जिसमें से मैंने 5 प्रोडक्ट्स हंट की अच्छे ROI के साथ, जिसमें से उन्होंने मेरी 2 रिजेक्ट की और 3 पास की, काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर मैं हंटिंग करता रहा। हंटिंग के ऐसे 1-2 वीक्स बाद एक लैब स्टार थे, उनके साथ मिलकर एक अकाउंट लिया। उस अकाउंट पे हमने काम किया, उस अकाउंट बिल्कुल फ्रेश अकाउंट था, पाकिस्तानी डिटेल्स पे इंडिविजुअल अकाउंट था। उस अकाउंट पे हमने फर्स्ट मंथ में $38,000 की सेल की, जिसपे हमारा 28% ROI था। लैब ने काफ़ी इफेक्ट किया मेरी लाइफ पे, क्योंकि लैब ही थी वो फर्स्ट डे था जिस दिन मैं मोटिवेट हुआ, जब मैंने 5 प्रोडक्ट्स हंट की, उस दिन मैं बहुत मोटिवेट हुआ। और उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं भी ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात है। अगर मैं घर बैठ के करता तो मेरा ख्याल है मैं शायद ये ना कर पाता, क्योंकि लैब में काफ़ी आपको बताने वाले हैं, मेंटोर बहुत अच्छे हैं, वो बताती हैं कि आपने कैसे काम करना है। बिगनर्स हैं, जूनियर्स हैं और सीनियर्स हैं, सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ब्रेकले में और बाकी इंक्यूबेटर्स में बहुत फ़र्क है। ब्रेकले एक बहुत अच्छा अदारा है और ये लोग सिखाते हैं, बताते हैं, इनको किसी से कोई मफाद नहीं है, ना इनको कुछ किसी और चीज़ का मफाद है, ये बस आपको बताते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं सिर्फ अभी तक USA मार्केट में काम कर रहा हूँ और 2 अकाउंट्स पर काम कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं अपनी एजेंसी बनाऊंगा। एक चीज़ जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया कि मैंने देखा लैब में काफ़ी बच्चे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे, उनको देख के मुझे लगा कि अगर ये अर्निंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अर्निंग कर सकता। और वो एक अच्छा टाइम था कि मैंने राइट डिसीजन लिया राइट टाइम पर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा ब्रेकले को, ब्रेकले टीम को, अपने मेंटर्स को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया, और आज मैं अपने एक मुकाम पर खड़ा हूँ। थैंक्स।